यूपी के कैबिनेट मंत्री साहेब सिंह सैनी की पत्नी सुमित्रा सैनी ने उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए एक प्रेस वार्ता में बताया कि उनका विवाह हिंदू रीति रिवाज से लगभग 43 वर्ष पूर्व साहेब सिंह सैनी से हुआ था। घरेलू अनबन के चलते लगभग 15-20 वर्ष से अपने पति से अलग रह रही थी। अपने निजी हर्जाने के लिए जब कोर्ट में प्रार्थना पत्र लगाया तो पता चला कि साहेब सिंह सैनी डालनवाला निवासी रीता नाम की महिला को अपने साथ रखा हुआ है, जबकि मेरे साथ उनका कोई तलाक नहीं हुआ था। एक पत्नी के रहते हुए दूसरे पत्नी को साथ में रखने के विरुद्ध कोर्ट द्वारा उनका वारंट भी निकाला गया था, जिसके एवज में साहेब सिंह सैनी द्वारा अग्रिम जमानत ले ली गई थी। उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्री साहेब सिंह सैनी ने बिना तलाक दिए हुए दूसरी शादी की, हमारी माता जी को दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर किया, जबकि उनको यहाँ तक पहुँचाने में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। हमारी मम्मी ने खर्चे का मुकदमा दर्ज किया था, वहाँ से संबंध जा रहे थे लेकिन वो आ नहीं रहे थे। हम वहाँ पे गए, जांच पड़ताल की तो पता चला कि दूसरी शादी कर रहे तब हमने पहली पत्नी के जीवित होते दूसरी शादी करने के आरोप में यहाँ पे मुकदमा किया। वहीं अब मंत्री की पत्नी ने अपने हक के हर्जाने की मांग को लेकर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही है। उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट हुए, फिर वो आए जमानत करवाई, अब तक चल रहा है। इस मामले पर हाई कोर्ट ले जाएंगे। देवभूमि न्यूज़ देहरादून।